क्या हाल है? तो कल ना मैं ऐसे ही अपने दांत घिस रहा था, और वैसे तो रोज ही दांत घिसते हैं तो बड़ी बात नहीं है, तो मैंने देखा यार ये ब्रश ना रिटायरमेंट पे पहुंच गया। पर रिटायरमेंट के बाद कभी ब्रश का ना हमने मर्डर नहीं किया था, मतलब मैंने तो नहीं किया था, तुम्हारा पता नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्रश का आज मर्डर भी किया जाए और देखा जाए कितनी देर में हम इसका मर्डर कर सकते हैं। वैसे तो ब्रश जब रिटायरमेंट वाली स्टेज पे पहुंच जाता है, ब्रश को रिटायर कर देते हो, मतलब कि फेंक देते हो या फिर जूते वगैरह साफ करने के लिए रख लेते हो। मैं तो रख लेता हूँ, बाकी हर किसी का अपना अपना सिस्टम है, पर कभी मर्डर नहीं किया था रिटायर्ड ब्रश का, आज करेंगे। तो बता ही दिया तुम्हें मैंने करना क्या, आज ब्रश का मर्डर करेंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई कंपटीशन वाला सिस्टम नहीं लगाया हुआ इसमें, ना ही कोई मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि इतने टाइम लिमिट में करना है या फिर एक बारी में एक ही ब्रेसल को निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस रोज़ कॉम्पिटिटिव वे में हम कर रहे थे व्लॉग, आज हम डिस्कवरी वे में करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या दांत की ताकत से हर एक ब्रेसल को निकाला जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगा, पर फिर भी करके देखते हैं, क्या पता लगता है, मतलब देखते हैं, डिस्कवर करेंगे आज हम, बजाय कि कुछ कॉम्पिटिटिव करने के। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे को तो लग रहा मेरा दांत ना निकला है। एक चीज तो समझ आ गई भाई, एकता में शक्ति बहुत ही ज्यादा है, मतलब ब्रश है ये, और ऐसे दो के तीन तीन ब्रेसलेट्स करके निकालना पड़ रहा है। अगर मैं इकट्ठा खींच रहा था मतलब मेरा दांत लगा ना, पर ये और ये देखो अभी तक इतना भी वो माय गॉड, हवा और ये उड़ा के चल रही सब कुछ, पर देख लो ये रहा थोड़ा सा, वो देखो वो जा रहा ये जा रहे हैं ब्रेसलेट्स। बाकी छत में बैठ के दांत पाँच जा रहा, ये है अभी तक का ब्रेसल डेब्रिस। ज़्यादा कोई फ़र्क लग नहीं रहा है ना, वैसे तो उड़ाए हैं मैंने काफ़ी सारे, मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पता लग रहा है, पर जिसको पहली बार दिखाऊंगा उसे तो लगेगा हाँ भाई क्या रिटायर्ड ब्रश ही है लग रहा है, तो मेरे को और तो कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब ना ही कोई ब्रेसेस निकले हुए लग रहे हैं, ना ही ऐसा लग रहा है कि ब्रेसेस कम होंगे इसके अंदर, पर कोशिश कर रहे हैं हम, देखते हैं कितने निकलते हैं। मैं भाई दांतों से अपने रिस्क नहीं लूँगा, दांत मुझे ज़्यादा प्यारे हैं बजाय कि इस टास्क के। तो अगर मुझे ज़रा सा भी लगा कि ये मेरे दांतों के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मैं तो छोड़ दूंगा भाई उसी टाइम पर। थैला ले आया हूँ मैं साथ में, क्योंकि मुझे पता है गन तो बहुत ज़्यादा बचेगा, तो सीधा इसी में कर जाएंगे। थोका नहीं अभी मैंने, सिर्फ हवा मारी थी। दाढ़ी में तो नहीं रह गया? नहीं ये तो दाढ़ी ही है। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, क्लीन शेव होता तो आसान हो जाता है इसे करना। हाँ ब्रेसल ही था। देखो दो तो मैंने एकदम खाली कर दिए हैं, बाकी भी खाली हो जाने चाहिए, बाकी देखते हैं कि खाली हो पाएंगे कि नहीं। हो जाने चाहिए पर बता देते हैं, करके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में डिस्कवर करना पड़ेगा। सोचा नहीं था कभी जिंदगी में कि दांतों का भी वर्कआउट किया जा सकता है, मतलब वर्कआउट की तो कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी, पर निकल आ रहा है। सारा ब्रश नीचे गिर गया, ये देखो पहला हो गया खाली और ये रहा सारा मुकाबला। ये शुक्र की बात है कि हवा नहीं चलता, पता भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने सोचा था ये अजीब तरीके से हिला था, ऐसा ही है।
आर्टिफिशियल से भी है पर ये नेचुरल ही होगी क्योंकि उड़ते आ रही है वैसे, और उड़ते नेचुरल चीज़ें ही आती है। आर्टिफिशियल वाली कोई उड़ाए अलग से तो बात अलग है, पर किसी को पता नहीं है ना कि उड़ा दी गई थी मेरे द्वारा वो यहाँ से। तो अब तो पॉसिबल लग रहा है कि ये हो ही जाएगा, मतलब है ना किया जा सकता है ब्रश का मर्डर, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। पर मैं और आगे नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ये दो सामने वाली दांतों का यूज़ करना चाहता हूँ, और किसी किस्से से महसूस हो रहे हैं मुझे, और क्योंकि ये परमानेंट सेटअप है ये दोबारा जनरेट नहीं किए जा सकते बॉडी के द्वारा, आपको नकली वाले लगवाने पड़ेंगे और इतना आगे जाने का मन नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट तो हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ब्रश का मर्डर किया जा सकता है, और उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को ये मर्डर देखकर पसंद आया होगा ना, तो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और साथ कल अगली वीडियो बनाए। बाय।